देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 और इसका सातवां सवाल देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक पूछे हैं और कह रहे हैं जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बना लीजिए पहले, ठीक है। और ए बी एक वृत्त का व्यास है, मान लो ये ए बी जो है, ये ए और ये बी है, ठीक है। ये ए बी वृत्त का व्यास है और ये मान लो केंद्र ओ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जिसका केंद्र 2-3 है, केंद्र कितना है 2, -3, ये केंद्र के बिंदु दिए हुए। और आगे कह रहे हैं तथा बी के निर्देशांक ये दिए हैं, बी के निर्देशांक 1 और 4 दिए हैं, लेकिन ए के तो कोई निर्देशांक नहीं दिए, तो ए के निर्देशांक मान लेंगे हम। ए के निर्देशांक जो है एक्स वाई है, ये हमने मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में ही क्या लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ओ से लेके ए तक की दूरी क्या है, ओ से ए तक की दूरी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों बराबर होंगी, ओ ए और ओ बी बराबर होगी, यानी वो ठीक बीच में है ये पॉइंट, तो ये विशेष स्थिति वाला यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल। तो सूत्र क्या है विशेष स्थिति के लिए, देखो उसके लिए सूत्र ये है कि ये जो है, यहाँ पे हम इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ जिससे समझने में दिक्कत ना हो। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अच्छा अब तो चलिए ठीक है लिखते हैं। देखो x1 विशेष स्थिति में क्या सूत्र आता है, देखो इसका इसके बराबर ये होगा, देखो क्या होगा बताते हैं। देखो x1 + x2/2, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 2 के। तथा y1 + y2/2 बराबर किसके होगा, -3 के, ऐसे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो x1, अब यहाँ पे देखो x1 x2 x1 कितना है, x है, x1 कितना है, x प्लस x2 कितना है, x2 कितना है, 1 है। तो x + 1/2 = 2। तथा अब देखो y1 + y2 y1 कितना है, y है, प्लस y2 कितना है, y2 4 है, 4/2 = -3/1 मान लो, इसके भी बटे 1 मान लो। अब इसका इसमें 1 का गुणा, देखो x + 1 का गुणा 1 में कर दो, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x + 1 वही आ जाएगा, बराबर 2 × 2 = 4। 1 को उधर पक्षांतर कर दो, ये प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा, इधर आके x = 4 - 1, ठीक है। तो x = 4 में से 1 घटा दो तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, 1 में इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, y + 4 = अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 × 3 = 6, 4 को पक्षांतर कर दो, 4 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, y = -6, ये +4 है तो -4 हो गए, y = दोनों माइनस के हैं अब तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा और जुड़ जाएंगे, 6 और 4 - 10, ठीक है। ये आ गया तो ए के निर्देशांक लिख देते हैं अब, तो लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो बिंदु ए के निर्देशांक ये आ जाएंगे, xy माने थे ना हमने, तो क्या आ जाएंगे, ए यहाँ लिख दो, x का मान 3 है और y का मान कितना है, -10, तो 3 - 10 ये आ जाएगा आंसर, तो बिंदु के निर्देशांक इतने हैं, ठीक है।